नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं झारखंड की कुछ खास खबरों। उत्तर प्रदेश के निरसा धनबाद उपायुक्त अमित कुमार ने निरसा प्रखंड कार्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान उपायुक्त ने सबसे पहले निरसा प्रखंड कार्यालय में गौरव कंस्ट्रक्शन द्वारा बनाए जा रहे नए प्रखंड कार्यालय भवन का निरीक्षण किया। इस जगह पर वृक्ष कटवाने में लगा और अभी ईंट और बालू की काफी दिक्कत है। निरसा प्रखंड कार्यालय से उपायुक्त सीधे पल्हारपुर पंचायत के रतनपुर गाँव में पहुंचे। उपायुक्त अमित कुमार ने मुख्य विश्वरूप से कहा कि 2 एकड़ जमीन है और 2 एकड़ जमीन की व्यवस्था करके बागवानी और पीसीबी का काम किया जाएगा। इस दौर में उपायुक्त अमित कुमार के साथ निरसा प्रखंड के बीडीओ विकास कुमार राय भी इस दौरे में शामिल थे। मुगमा से मलय गोप की रिपोर्ट। प्रखंड में कितना एकड़ में अभी हम लोग साइट वगैरह विजिट करने आ रहे हैं, जहाँ पे भी है। उद्देश्य यही है कि हर पंचायत में कम से कम 5 एकड़ जमीन चिन्हित करते हुए हम लोग बिरसा हरित ग्राम योजना अंतर्गत जो है वो बागवानी का काम करें और इस बागवानी का लाभ जो है वो रैयती ज़मीन पर उसी रैयत को जो है वो लाभ मिलेगा जो भविष्य में। और अभी जो है वो जो हमारे श्रमिक हैं उनको काम मिल रहा है, जो प्रवासी श्रमिक लौटे हैं उनको भी जो है वो जॉब कार्ड दे करके इस कार्य में लगाने का जो है वो निर्देश दिया गया है। तो हर पंचायत में 5-5 एकड़ जमीन चिन्हित करते हुए उसको बागवानी के रूप में डेवलप करते हुए कार्य कर रहे हैं। सर, सबसे पहली प्राथमिकता मनरेगा में अभी तत्काल बागवानी का है? नहीं, देखिए प्राथमिकता 2 चीज़ों की है। एक तो है कि पानी रोकने की, कि बारिश के पानी को हम लोग रोक पाएँ, और दूसरा है पौधारोपण की। इन दोनों को लेकर के काम चल रहा है। मुख्यमंत्री जी ने पानी रोको पौधा रोको अभियान शुरू किया है, तो उसी मुहिम का ये सब हिस्सा है। अभी तक सर निरसा प्रखंड में कितना जमीन चिन्हित हो चुका है लगभग? उसका डिटेल आपको जो है वो मिल जाएगा।